मूवी के स्टार्ट में हमें हिमेको के बारे में पता चलता है, जो कि जापान की रानी थी। उसने काले जादू की मदद से अपने टाइम में बहुत राज किया था, और ये भी बताया जाता है कि वो रानी जिस किसी को भी छूती थी उसकी मौत हो जाती थी, क्योंकि उस रानी के पास किसी को मारने और किसी को जिंदा करने की पावर थी। लेकिन हिमेको के लोगों ने ही उसे किसी आइलैंड में किसी पहाड़ के नीचे दफना दिया। अब एक रिचर्ड नाम का बंदा होता है जो कि उस रानी की बॉडी की खोज में गया होता है। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लारा था, पर रिचर्ड सब कुछ छोड़कर उस रानी की टॉम को ढूंढने निकल गया था। स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम लारा को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक बॉक्सिंग रिंग में थी। तभी उसका ओनर वहाँ पे आता है और लारा को बॉक्सिंग की कमाई के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हारा कर्जा अभी भी बहुत बाकी है। इससे हमें पता चलती है कि लारा की आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं थी। अगले दिन लारा को एक साइकिल रेस के बारे में पता चलता है जिसमें जीतने वाले को काफी पैसे मिलेंगे। वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, पर वो रेसिंग के दौरान ही अपने डैड की यादों में चली जाती है, जिससे वो अनबैलेंस होकर एक पुलिस की गाड़ी पे जा टकराती है। वो लोग उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उसे छुड़ाने के लिए एक लेडी आती है जिसका नाम एना होता है। वो लारा से इस बारे में पूछती है, जिस पर लारा कहती है कि उसे पैसों की जरूरत थी इसीलिए वो उस रेस में गई। जिस पर एना कहती है कि तुम्हें अपने डैड की प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करके उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो वो नीलाम हो जाएगी। दरअसल लारा के पिता रिचर्ड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ी थी, पर लारा उस प्रॉपर्टी पेपर पर अभी तक साइन नहीं की थी क्योंकि उसे यकीन था कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। लेकिन फिर वो अपने डैड की मौत को एक्सेप्ट करके अपने ऑफिस पहुंच जाती है उन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करने के लिए। उसे वहां पर एक बूढ़ा आदमी एक जापानी पजल देता है। उसे सॉल्व करने पर उसे उसमें से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है। लारा साइन किए बिना ही ऑफिस से चली जाती है। वो उसी एड्रेस में पहुंचती है, वहां पर उसे अपने डैड का नाम दिखाई देता है। उसके फर्स्ट लेटर को प्रेस करने पर एक की का ऑप्शन आता है, साथ ही लारा को उस पजल में से ही एक की मिला था। की को डालते ही वहां पर एक सीक्रेट तहखाना खुलता है। नीचे जाने पर उसे अपने डैड की काफी सारी चीजें मिलती है और एक वीडियो टेप भी मिलता है जो कि उसके डैड की थी, और वो रिकॉर्डिंग लारा के लिए एक मैसेज भी था। लारा को वहाँ पर काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही उसे पता चलता है कि उस रानी के टॉम के पीछे कई और लोग भी पड़े थे। साथ ही उसे वहाँ पर कुछ मैप और एक पजल मिलता है और एक शिप का फोटो भी मिलता है जिससे उसके डैड उस आइलैंड की ओर गए थे। उसके डैड उस रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि तुम ये सब जला देना ताकि ये सब इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में ना पहुंचे। अगली सुबह लारा वो मैप और वो पजल लेकर उस बोट को ढूंढने निकल जाती है। वहाँ उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो उसका बैग चुरा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन लारा एक फाइटर भी थी इसीलिए वो उन लड़कों को अपने फाइटिंग स्किल से हरा कर अपने बैग को वापस ले लेती है। उसी वक्त लारा को वो शिप दिखाई देता है जिससे उसके डैड उस आइलैंड तक गए थे। लारा उस शिप के ओनर से बात करती है जिसमें वो ओनर कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की मदद की होगी, वो मैं नहीं था। जिस पर लारा उससे कहती है कि हमें उस आइलैंड में जाना होगा, लेकिन वो शिप का ओनर इसके लिए साफ इनकार कर देता है। लेकिन लारा उसे ज्यादा पैसे देने का वादा करती है जिस पर वो शिप का ओनर मान जाता है। उसके बाद वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में लारा अपने डैड के उन नक्शों को देखती है, लेकिन रात में जब लारा सो रही होती है तभी एक झटके के साथ उसकी नींद खुल जाती है। शिप का ओनर लारा से कहता है कि शायद हम पहुंच चुके हैं, पर वहां पर बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती है इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए भी पानी में कूदना पड़ता है। लारा कूदने से पहले अपने डैड की वो सारी चीजों को अपने साथ ले लेती है और उनकी शिप एक बड़े से पत्थर पर टकरा कर पूरी तरह से टूट जाती है। लारा तैरते हुए किनारे तक आती है जहाँ पर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, क्योंकि उस रानी के टॉम के पीछे कई और लोग भी पड़े थे। लारा तुरंत अपने सामान को चेक करती है जिसमें से काफी चीजें मिसिंग होती है, क्योंकि उन चीजों को उस ग्रुप का लीडर ले चुका होता है। वो लारा को थैंक्स बोलता है क्योंकि इससे उसकी काफी मदद हो जाएगी। साथ ही वो रिचर्ड के बारे में बोलता है कि उसी ने उसे कुछ साल पहले गोली मारी थी। उसके बाद वो लीडर लारा को काम पे लगा देता है। वहाँ कई लोग थे जो उस टॉम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए काम कर रहे थे। उस शिप का ओनर भी वहाँ पे होता है क्योंकि वो भी बच चुका था। मौका देख कर वो ओनर लारा की मदद करता है वहाँ से भागने के लिए। लारा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कुछ लोग गन लेकर लारा को शूट करने की कोशिश करने लगते हैं और उसका पीछा भी करने लगते हैं। तभी लारा के आगे एक बहुत बड़ी नदी होती है और वो एक पेड़ की मदद से उस पार जाने की कोशिश करने लगती है, पर उसका पैर फिसलता और वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो नदी में बहुत देर तक बहती है। नदी में बहते बहते वो एक बहुत बड़े झरने के पास पहुंचती है। वो उस झरने से गिरने ही वाली होती है तभी वो एक प्लेन को पकड़ लेती है। वहां पर एक बहुत पुराना जंग लगा प्लेन था, पर वो प्लेन भी धीरे धीरे टूटने लगता है। लारा जोर से दौड़ते हुए उसके मेन पार्ट को पकड़ लेती है और उसके अंदर जाकर अपने हाथ में बंधे रस्सी को काटने लगती है। तभी उस प्लेन का बाकी हिस्सा भी नीचे ढलने लगता है, लेकिन वहां पर एक फटा पुराना पैराशूट होता है। लारा नीचे गिरने से पहले उस पैराशूट को पकड़ लेती है और वो क्रैश लैंडिंग करती है जिसमें उसे काफी चोटें आती है। रात हो जाती है और उसे एक आदमी दिखाई देता है। लारा उसका पीछा करती है, पर वो आदमी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर रस्सी की मदद से उस पर चढ़ने लगता है। लारा भी उसके पीछे आती है, जहाँ लारा देखती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पिता रिचर्ड है। पर रिचर्ड लारा को नहीं पहचानता क्योंकि जब उसने घर छोड़ा था तब लारा बहुत छोटी थी। लारा उसे सारी बात बताती है। रिचर्ड लारा से काफी नाराज होता है क्योंकि उसने उसे सारे नक्शे को जला देने के लिए कहा था, पर अब वो इन्फॉर्मेशन उस आदमी के पास पहुंच चुका था जिससे वो सारी इंसानियत को मार सकता था। इधर
उस ग्रुप के लीडर को उसका दरवाजा मिल जाता है जिसके अंदर उस रानी का टॉम था, पर उसे खोलने के लिए उस बड़े से दरवाजे में बने पजल को सॉल्व करना था। वहीं दूसरी ओर लारा अपने डैड की बात सुनकर तीर कमान के साथ उसे रोकने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके डैड को भी ढूंढकर वहां पे ला चुके होते हैं। वो लारा को फोर्स करते हैं कि वो उस दरवाजे को खोले, नहीं तो वो लोग उसके डैड को मार डालेंगे। लारा को उनकी बात माननी पड़ती है और वो अपने दिमाग से दरवाजे को खोल देती है। उन्हें नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। नीचे जाने पर लीडर का एक आदमी का पैर किसी गलत जगह पे पड़ जाता है जिससे एक तीर उसके आर पार हो जाती है। ये देखकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं और चौकन्ने हो जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक खाई नीचे दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे कंकाल थे। वो लोग कुछ दूर चलते हैं तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन ढलने लगती है और कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। लारा भी उसमें गिरते गिरते बचती है। लारा एक आती रोशनी को देखती है और उसे लगता है कि यहाँ पे कोई चाबी लगानी होगी और वो चाबी ढूंढने लगती है। वहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं, उसमें से हरा पत्थर वो वहाँ पे लगाती है जिससे जमीन का ढलना रुक जाता है। साथ ही उस पार का दरवाजा भी खुल जाता है। वहाँ पर कई लोगों के ताबूत होते हैं जो कि रानी को दफनाने आए लोगों की थी क्योंकि उन्होंने खुद का भी सेक्रीफाइस कर दिया था। आगे जाने पर उन्हें उस रानी का ताबूत भी मिल जाता है, लेकिन तभी उस ग्रुप में से एक आदमी उस रानी की बॉडी को छूता है और देखते ही देखते उसके बॉडी में एक इन्फेक्शन फैलने लगता है। दरअसल उस रानी को एक खतरनाक बीमारी थी, इसलिए उसने खुद अपनी मौत चुनी थी ताकि पूरी दुनिया को यह इन्फेक्शन ना फैले। साथ ही उसे दफनाने आए लोगों ने भी इसीलिए खुद की सेक्रीफाइस की ताकि उनके जरिए भी यह इन्फेक्शन बाहरी दुनिया को ना फैले। तभी उस ग्रुप का लीडर उस रानी की उंगली को बड़ी सावधानी के साथ एक प्लास्टिक में पैक करके अपने साथ रख लेता है और फिर वहां से भागने लगता है ताकि वो पूरी दुनिया को यह इन्फेक्शन फैला सके। लेकिन रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश करते हुए फायर करने लगता है और लारा भी बाकियों से लड़ने लगती है। तभी उस ग्रुप में से एक आदमी रिचर्ड को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और इस लड़ाई में रिचर्ड इन्फेक्ट हो जाता है क्योंकि उस ताबूत का दरवाजा खुला ही था। उसके बाद उस ग्रुप का लीडर वहां से निकलने लगता है। लारा अपने डैड की हालत देखकर काफी रोती है क्योंकि वो अपने डैड को दोबारा नहीं खोना चाहती थी। पर रिचर्ड लारा से कहता है कि तुम्हें उस ग्रुप के लीडर को रोकना होगा वरना वो पूरी दुनिया को ये इन्फेक्शन फैला देगा। साथ ही वो कहते हैं कि वैसे भी वो नहीं बचने वाले, इसीलिए लारा आखिरी बार अपने डैड को गुड बाय बोलती है और उसके पीछे चली जाती है। कुछ दूर उस आदमी का पीछा करने के बाद वो आदमी लारा को मिल जाता है और उनके बीच एक लड़ाई होती है, लेकिन लारा उस रानी की उंगली को उसी आदमी के मुंह में घुसा देती है और उसे खाई में फेंक देती है। लेकिन उसी वक्त पूरा का पूरा पहाड़ ढलने लगता है। लारा बहुत तेजी के साथ वहां से निकलती है और उस जगह से बाहर आने लगती है। बाहर वही शिप का ओनर लारा का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। फिर वो एक हेलीकॉप्टर को हाईजेक करते हैं और वहां मौजूद उन सारे मजदूरों को लेकर वापस आ जाते हैं। वापस आकर वो अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करती है और सारे प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करती है और यह स्टोरी यहीं पेंड हो जाती है।